अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज सेट 7 मैकेनिक्स का 7 चैप्टर है काइनेमेटिक्स। ये मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं इस पर, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन लो है तो क्वालिटी ख़राब है, इसलिए दोबारा रीपोस्ट करने लगी हूँ। अ पार्टिकल इज़ मूविंग फ्रॉम ओ एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी इफ इट्स पोजिशन एट दैट टाइम इज़ गिवन बाई ये आर। पोजिशन दी हुई है आर इज इक्वल टू टी थ्री प्लस टू टी आई प्लस फाइव टी स्क्वायर माइनस सेवन। इट मीन्स हमने निकालना क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डेरिवेटिव एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारी वेलोसिटी निकल आएगी, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगी। आर इज इक्वल टू टी थ्री प्लस टू टी आई प्लस फाइव टी स्क्वायर माइनस सेवन जे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। वी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया डी आर ओवर डी टी, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू प्लस टेन टी जे। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। अब अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, दोबारा डेरिवेटिव लिया, थ्री टी स्क्वायर का 60 हो गया, टेन टी का 10 हो गया। ए इज इक्वल टू 60 आई प्लस 10 जे। ये सिंपल डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इसलिए ये तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि थ्री टी स्क्वायर पावर रूल लगा हुआ है। आर इज इक्वल टू एटी स्क्वायर आई प्लस फोर एटी जे, डिफ्रेंशिएट किया, एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो एटी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, टू एटी, ए कॉन्स्टेंट है, टू एटी प्लस फोर एटी का डेरिवेटिव लिया, फोर ए आ गया। अगेन ये वेलोसिटी निकल आई है, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, एक्सेलरेशन निकल आएगी। टू एटी का डेरिवेटिव टू ए, कॉन्स्टेंट है टू ए, और टी का डेरिवेटिव वन होता है। फोर ए का डेरिवेटिव लिया तो फोर ए कॉन्स्टेंट है और फोर और इसके साथ वन है, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, इसलिए ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, टू ए आई बस इतना रह जाएगा, ये एक्सेलरेशन है। थर्ड पार्ट है आर इज इक्वल्स टू ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी जे। वी इज इक्वल्स टू एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, ए कोस टी का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन टी, ए कॉन्स्टेंट है, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, बी कॉन्स्टेंट है, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, माइनस ए साइन टी आई प्लस बी कोस टी जे। इट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ए कोस टी इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, माइनस ए कॉन्स्टेंट है, साइन टी का कोस टी हो गया डेरिवेटिव, बी कॉन्स्टेंट है, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी जे। ए इज इक्वल टू माइनस ए कोस टी आए माइनस बी साइन टी जे, ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर अगला है फोर्थ पार्ट, ए वन माइनस माइनस साइन, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ए कॉन्स्टेंट है, टी का डेरिवेटिव वन माइनस कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस ए कॉन्स्टेंट, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो प्लस साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो के वन प्लस साइन टी आ जाएगा, ए वन प्लस साइन टी आई, ए वन प्लस साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे, ये वेलोसिटी होगी। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन, ए कॉन्स्टेंट है, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, ए कॉन्स्टेंट, साइन कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ए इज इक्वल्स टू ए कोस टी आई माइनस ए साइन टी जे। क्वेश्चन नंबर टू, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एलिप्स, आर इज इक्वल्स टू ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी जे। इफ ए ग्रेटर देन बी, फाइंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। आर इज इक्वल्स टू ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी जे। आर दिया हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। वो पोजिशन पार्टिकल की निकालनी है आर, पोजिशन क्या होता है आर, आर निकालना है जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ए माइनस साइन टी आई हो गया प्लस बी कॉन्स्टेंट है, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, वी आ गया माइनस ए साइन टी प्लस बी कोस टी जे। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, निकालेंगे इसका, ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा माइनस, ये आई और जे को रिमूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं, वी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं,
ताकि ये आई और जे रिमूव हो जाए और कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। डेरिवेटिव्स लेने हैं तो ये आई जे जो होंगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस टी का होल स्क्वायर, ये आ गया वी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अंडर रूट खत्म कर दी वी स्क्वायर। अब ये सिंपल हो गया है, आई जे भी खत्म हो गया और ये अंडर रूट भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकालनी है जब मैक्सिमम और मिनिमम है, इसलिए हमने वो वाला फॉर्मूला निकालना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हम करेंगे, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो करेंगे, और उसके बाद डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर में उसकी वैल्यू डालेंगे जो उसमें से वैल्यूज निकलेंगी जब हम डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे, तो उसकी जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, और फिर उसको क्या कहते हैं डिक्रीजिंग प्रूफ करेंगे। अगर डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम है, और इंक्रीजिंग जब प्रूफ करेंगे तो वो मिनिमम है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, टू वी डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव टू पावर रूल, पहले टू साइन टी और फिर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, बी स्क्वायर पावर रूल से पहले टू कॉस टी और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। ये हो गया टू ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी माइनस बी स्क्वायर टू साइन टी कॉस टी, ए स्क्वायर साइन, अब ये टू साइन टी कॉस टी क्या हो गया साइन टू टी, डबल एंगल वाला फॉर्मूला, माइनस बी स्क्वायर साइन टू टी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये साइन टू टी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालने के लिए डी वी ओवर डी टी जीरो पुट करेंगे, और फिर उससे जो टी की वैल्यूज़ आएंगी फिर उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ डी वी डी टी जीरो होगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, साइन टू टी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन टू टी जो है वो जीरो आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं, टू टी इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो कब होता है, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई सब पे होता है, सो ऑन, टू टी इज इक्वल टू ये आ गया, तो टी जब निकालेंगे तो टू को इधर डिवाइड करेंगे, जीरो बाय टू जीरो ही आ जाएगा, पाई बाय टू, फिर यहाँ टू करेंगे तो पाए आ जाएगा, पाई बाय टू पाए थ्री पाई बाय टू, इस तरह इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, टी इज इक्वल टू जीरो पाई बाय टू पाए थ्री पाई बाय टू। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी टी, इसको यहाँ पर क्या क्वेश्चन थी, ये वाली टू वी डी वी ओवर डी टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे ताकि हमें डी टू वी ओवर डी टी स्क्वायर आ जाए, जिसमें हमने ये टी की वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना है, मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए आर हमारे पास दिया हुआ है, हमने डी आर ओवर डी टी निकालना है, ठीक है, हमने डी आर ओवर डी टी निकालना है, नहीं ठहरो एक मिनट, डी वी ओवर डी टी, सॉरी, पोजिशन ऑफ पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, कि वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, तो इसका मतलब है जब मैक्सिमम जिसको भी मैक्सिमम प्रूफ करना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो लेना है, और उसको उसके सेकंड डेरिवेटिव में जो वैल्यूज निकली होंगी जीरो, जब हमने जीरो के इक्वल लिए तो वैल्यूज निकली होंगी वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ये आर का डेरिवेटिव नहीं लेना, वी का लेना है, पहली बात तो R का लेंगे तो फिर V निकलेगा ना, लेकिन ये जो मैक्सिमम प्रूफ करना है तो इसलिए इसके वेलोसिटी के फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना है। वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले R से हम V निकालेंगे, V निकल आया, V को सिंप्लीफाई किया हमने कि ये आई जे रिमूव हो जाए, तो ये सिंपल इक्वेशन निकल आई है, उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया डी वी और डी टी, और हमारा मकसद क्या था, उसको हमने जीरो पुट करना है, जब हमने जीरो पुट किया उसको तो ये वैल्यूज टी की निकली हैं। अब हम उसका इस इक्वेशन से उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लिया, टू कॉन्स्टेंट है, वी एक तरफ ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया प्लस डी वी ओवर डी टी सेम लिख लिया ऐसे ही, और वी का डेरिवेटिव लिया डी वी ओवर डी टी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लिया कॉस टू टी, और फिर टू टी का डेरिवेटिव लिया टू आ गया, वी डी टू वी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वी ओवर डी टी का होल का स्क्वायर, दो टू टाइम्स आइए, फिर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस टू टी, अब दोनों साइड्स पे टू है, टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब टी की वैल्यूज हमें
हम चार वैल्यूज लगा के देख लेते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगे, हम चार को ट्राई कर लेते हैं। t इज इक्वल टू जीरो पहले पुट करना है इस इक्वेशन में, डी टू वी ओवर डी टी स्क्वायर निकालना है हमने इससे। हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू जीरो होएगा तो v क्या बनेगा, v की इक्वेशन ये थी ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टू कोस स्क्वायर टी। तो v में पुट करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी है। टी जीरो है, साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए ये टर्म जीरो होगी, और कोस टी वन होता है, इसलिए यहाँ बी स्क्वायर आ गया और अंडर रूट ख़त्म की तो बी आ गया। अब डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो पुट करना है हमने, ठीक है। और अब हमने ना इस जब t इज इक्वल टू जीरो लेंगे, t इज इक्वल टू पाई बाय टू लेंगे, हर किसी में हमने v की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने इसमें पुट करना है, इसमें क्या चाहिए d टू v ओवर dt, ये तो हमने फाइंड करना है। v की वैल्यू चाहिए, v में हम t पुट करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, dv ओवर dt, जो कि हमने ज़ीरो पुट करनी है, dv ओवर dt ज़ीरो है, तभी तो ये t इज इक्वल टू जीरो वैल्यू आई है, dv ओवर dt को ज़ीरो रखा है, ठीक है। तो अब इसमें पुट करते हैं v डी टू वी ओवर डी टी डी वी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस टू टी। वी की जगह b आ गया, इस ये तो हमने फाइंड करना है, सेम ऐसे ही लिख लेंगे, ये ज़ीरो हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही क्या लिख दिया, कोस टी कोस ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो कोस ज़ीरो हो गया, कोस ज़ीरो वन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इस साइड पे क्या है, डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर, यहाँ बी जो था वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो ए ये बड़ी रकम है, बड़ी रकम से बी निकालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। अगर b इस साइड पे होता तो वो छोटी रकम होती है, और छोटी में से बड़ी माइनस करते तो यहाँ नेगेटिव आता, ये ज़ीरो से छोटा होता। लेकिन ये कंडीशन जो a ग्रेटर देन b है, उससे हमें पता चलेगा कि ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, और वेलोसिटी इज़ मिनिमम एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो से ग्रेटर है, इसका मतलब है वेलोसिटी मिनिमम है इस t इज इक्वल टू ज़ीरो पे। अब t इज इक्वल टू पाई बाय टू पुट करना है, v की वैल्यू निकालेंगे, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, कोस 90 ज़ीरो होता है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और साइन टी की जगह 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ली ए आ गया, डी वी और डी टी ज़ीरो ही लेना है। उसके बाद हम जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, वी वी की जगह क्या आ जाएगा, ए डी टू वी ओवर डी टी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, डी वी ओवर डी टी ज़ीरो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस टी जो है कोस टू पाई बाय टू, पाई बाय टू 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 कट गया, पाई रह गया कोस टू, और t है ना, t पाई बाय टू है, पाई बाय टू ये वाला टू जो है इस टू के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पाई आ गया, कोस पाई क्या होता है, कोस 180 माइनस वन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस पाई माइनस वन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ माइनस आ गया, और जो यहाँ पर a था वो यहाँ डिवाइड हुआ, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई, अब ये माइनस ए स्क्वायर है, अगर इसको हम खोलें तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर है, जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस है, इट मीन्स ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, और ये ज़ीरो से लेस देन है, इट मीन्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू पाई बाय टू। अब टी इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन, फिर वी की वैल्यू डालेंगे, टी जो है साइन पाई जो होता है वो ज़ीरो, और कोस पाई माइनस वन होता है, इसलिए ये वाली टर्म ए वाली ज़ीरो हो जाएगी, बी स्क्वायर और माइनस वन का जब स्क्वायर लेंगे तो वन आ जाएगा, बी का अंडर रूट बी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो बी आ जाएगा, डी वी ओवर डी टी ज़ीरो है, जब इसमें पुट करेंगे तो वी की जगह बी डी वी ओवर डी टी स्क्वायर वैसे का वैसा, डी वी ओवर डी टी जो उसकी जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस टू टी कोस टू पाए वन होता है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला जो बी है यहाँ जाके डिवाइड होगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी इज़ मिनिमम एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए क्या बड़ा है, ए में से छोटी रकम निकाली पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। आगे एट टी इज इक्वल टू थ्री पाई बाय टू, वी की वैल्यू निकाली सेम साइन थ्री पाई बाय टू और कोस थ्री पाई बाय टू, अब जो कोस थ्री पाई बाय टू है वो आता है ज़ीरो, इसलिए वो ख़त्म हो गया, साइन थ्री पाई बाय टू जो है वो वन है, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट लिया ए आ गया, डी वी ओवर डी टी ज़ीरो है,
वी डी टू वी ओवर डी टी स्क्वायर, इसमें वी की वैल्यू डाली ए, डी वी ओवर डी टी की जीरो, कोस टू टी है, कोस टू थ्री पाई बाय टू, टू टू कैंसिल हो गया, कोस थ्री पाई आ गया, ए डी टू वी ओवर डी टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर जो कोस थ्री पाई था उसकी जगह माइनस वन, अब ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, इसको खोलेंगे अगर तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बड़ी रकम जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है वो ये पूरी टर्म नेगेटिव है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू थ्री पाई टू, थ्री पाई बाई टू, जब जीरो से लेस होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, अगर जीरो से बड़ा होता है तो मिनिमम होता है। अब कंक्लूजन में हमने आर की पोजिशन बतानी है ना, तो हमने आर की न्यू वैल्यूज निकालनी है। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या निकला है, वेलोसिटी इज मिनिमम टी इज इक्वल जीरो पाई इस पे सोन, वेलोसिटी मैक्सिमम किस पे है पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू इस पे सोन। इफ़ वेलोसिटी इज मिनिमम, जब मिनिमम है जीरो पे और पाई पे, तो आर की वैल्यू क्या निकलती है, आर का फॉर्मूला ये है टी इज इक्वल टू जीरो होएगा जब हमने इस लाइन को देखते हुए ये पहला स्टेप करना है और आर की एक वैल्यू निकालनी है और फिर मैक्सिमम के लिए दूसरा। इस पूरी लाइन को देखो, मिनिमम है टी इज इक्वल टू जीरो पाई, वेलोसिटी मिनिमम है, ठीक है मिनिमम है, आर का आर निकालना है ना, आर का फॉर्मूला ये टी इज इक्वल टू जीरो पे आर क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि यहाँ कोस जीरो वन होता है, साइन जीरो से ये पूरी टर्म जीरो हो गई, ये ए रह गया ए आए, जब पाए रखा तो माइनस ए आई, कैसे हुआ, कोस पाए जो है वो माइनस वन होता है और साइन पाए जीरो होता है, कोस पाए माइनस वन और साथ ये ए है, माइनस ए आए। न्यू पोजिशन ऑफ पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ इट्स मिनिमम मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब है पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, आर इज इक्वल टू ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी जे, इफ टी इज इक्वल टू पाई बाय टू आर इज इक्वल टू बी जे, कैसे टी की जगह जब पाई बाय टू कोस पाई बाय टू रखेंगे तो वो कोस नाइन्टी जीरो होता है, साइन पाई बाय टू वन होता है, बी जे आ जाएगा, जब थ्री पाई बाय टू करेंगे कोस थ्री पाई बाय टू जो होता है वो जीरो हो जाता है और साइन थ्री पाई बाय टू वन माइनस वन होता है, तो माइनस वन और ये बी और ये जे, माइनस बी जे। न्यू पोजीशन ऑफ पार्टिकल जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वो क्या होगी, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी जे। और इसमें एक मिस्टेक जो मेरे से हो रही थी वो ये है कि डेरिवेटिव आर का नहीं लेना, डेरिवेटिव वेलोसिटी का लेना है, क्योंकि वेलोसिटी हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड, उन्होंने ये क्या इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम किसको प्रूव करना है, वेलोसिटी को प्रूव करना है, और अगर वेलोसिटी को प्रूव करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रखना है और सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यूज डालनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर वाई